नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश। स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इलेक्ट्रिकल टॉक्स पे। आज हम जानेंगे किसी बैटरी को चार्जिंग पे कैसे लगाएं, बैटरी का चार्जिंग वोल्टेज कितना होता है और हम कब किसी बैटरी को चार्ज में लगाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास एक बैटरी चार्जर है और दो हमारे पास बैटरीज हैं जो कि 12 वोल्ट की दो बैटरी है। और ये जो हमारा चार्जर है ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों, मतलब एक बैटरी और दो बैटरी दोनों चार्ज कर सकता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 12 वोल्ट लगा हुआ है, 12 वोल्ट का नॉब है और ये 24 वोल्ट का ये सिलेक्टर स्विच है। अगर हम ऊपर करेंगे तो ये 24 वोल्ट चार्ज करेगा और नीचे करेंगे तो ये 12 वोल्ट चार्ज करेगा। उसके साथ ये हमारा रेंज सिलेक्शन के लिए है, ये हमारा मिनिमम से मैक्सिमम तक जाता है। और इसके साथ साथ में हमारा जो इसका आउटपुट है प्लस और माइनस, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसका इनपुट 220 वोल्ट जो है यहाँ पे, ध्यान से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये इसके लिए केबल दिया हुआ है जो मैं ये अपना सॉकेट में लगा चुका हूँ। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि ये बैटरी का सीरीज पैरेलल क्या होता है और 12 वोल्ट का दो बैटरी है तो इसको हम 24 वोल्ट कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आइए हम थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है। सीरीज कनेक्शन में हम क्या करते हैं, देखिए जैसे हमारा बैटरी 1 है, बैटरी 2 है, तो इसका जो माइनस और इसका एक प्लस जो टर्मिनल होता है आपस में शॉर्ट कर देते हैं और इसका जो प्लस है वो प्लस के लिए चला जाता है और जो माइनस है वो माइनस के लिए चला जाता है। ये जो हमारा सीरीज कनेक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा वोल्टेज होता है वो बढ़ता है जबकि एम्पियर रेटिंग जो है वो सेम रहता है। ध्यान से देखिए, ये 12 वोल्ट का बैटरी है और ये भी 12 वोल्ट का बैटरी है, तो दोनों को हमने सीरीज में जब जोड़ूंगा, ध्यान रखिएगा माइनस और प्लस जब हम जोड़ेंगे बैटरी का, इसी तरह हम अनेकों बैटरी को हम जोड़ सकते हैं, अनेकों जितने भी बैटरी है। अगर हम मान लीजिए कि 12 वोल्ट का बैटरी है, 10 बैटरी को जोड़ दिए तो 120 वोल्ट हमारा हो जाएगा। उसी तरह हमारा ये पैरेलल कनेक्शन देख लीजिए। पैरेलल कनेक्शन में क्या करते हैं कि जो प्लस वाला जो बैटरी होता है उसका प्लस वाला टर्मिनल को दूसरे बैटरी के प्लस टर्मिनल से तथा पहले बैटरी के माइनस टर्मिनल को दूसरे बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ दें तो ये हो जाता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज होता है वो नहीं चेंज होता है। ये 12 वोल्ट का दोनों बैटरी है, चाहे आप पैरेलल में कितने भी बैटरी जोड़ लेंगे उसका वोल्टेज सेम ही रहेगा, जबकि एम्पियर आवर जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे हमारा इसका अगर 150 का है और ये 150 का है तो दोनों जुड़ के 300 एम्पियर आवर हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बैटरी के जो हमारे पास दो बैटरी है उनको हम सीरीज कनेक्शन करके वोल्टेज चेक कर लेते। बैटरी के वोल्टेज चेक करने के लिए हमें एक क्लैमीटर या मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस बैटरी का वोल्टेज। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा प्लस वाला जो लीड है वो प्लस बैटरी के प्लस टर्मिनल पे, माइनस वाला जो लीड है यानी ब्लैक वाला जो लीड है वो हम बैटरी के माइनस टर्मिनल पे लगाएंगे। तो ये देखिए ध्यान से, इसको मैंने यहाँ पे लगाया और ये यहाँ पे लगाया, तो आप देख पा रहे होंगे ये 12.7 यानी कि ये बैटरी जो हमारा ये चार्ज्ड है। और ये बैटरी का चेक कर लेते हैं, ये जो बैटरी है हमारा, ध्यान से देखिए, दूसरी वाली जो बैटरी है ये दिखा रहा है आपको 11.53 यानी कि ये जो बैटरी है हमारा डिस्चार्ज्ड है। अब हमें तो ये बैटरी चार्ज करना है, पर मैं आपको दोनों को कैसे एक चार्ज में लगाएंगे और एक को कैसे चार्ज में लगाएंगे ये भी बताऊंगा। देखिए, बैटरी का जब भी हम चार्ज में लगाए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो पानी होता है बैटरी का वो है कि नहीं। ये ड्राई सेल नहीं है, ये लेड एसिड बैटरी ड्राई सेल नहीं है, इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें पानी है कि नहीं है। अब देखिए ध्यान से, इसमें हमें ये आपको इंडिकेटर दिखेगा, इसका सिंबल देखिए कि अगर ग्रीन रहेगा तो हमारा क्या है, ग्रीन रहेगा तो ओके है, ग्रीन है तो यानी कि फुली चार्ज है। और व्हाइट हो जाएगा, जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए ये वाला जो है ये फुली व्हाइट है और ये वाला जो है ये आप देख पा रहे होंगे ये ग्रीन दिख रहा होगा आपको। तो इसलिए ये जो है ये चार्ज्ड है, ओके है। और अगर रेड हो जाएगा, ये इसका सिंबल अगर रेड हो जाएगा इसका मतलब होगा कि हमें पानी मिलाना है। इस तरीके का बैटरी हमारे घरों में और गाड़ियों में होता है, हम देख पा रहे होंगे, इन्वर्टर में भी आपने देखा होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। आइए सबसे पहले अब हम इनको क्या करते हैं, सीरीज कनेक्शन करके दोनों बैटरी के प्लस टर्मिनल, इस बैटरी के प्लस टर्मिनल, इस बैटरी के माइनस टर्मिनल को जोड़ के आपको देखते हैं कि कितना वोल्टेज बता रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने इस बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया है। अब ये जो बैटरी हमारी दोनों
सीरीज में जुड़ चुकी है और इनका वोल्टेज जो है मतलब 24 वोल्ट दिखाएगा। तो देखिए हम इस वो माइनस टर्मिनल को, ब्लैक वाले टर्मिनल को माइनस में और रेड वाले टर्मिनल को प्लस में लगाते हैं, तो ये देखिए ध्यान से हमारा बैटरी हमारा 24.1 बता रहा है, क्योंकि ये बैटरी हमारा फुली चार्ज है और ये बैटरी हमारा पार्शियली चार्ज है, चार्ज नहीं है मतलब चार्ज लगा 11.5 है, तो इसलिए ये 24 बता रहा है। अब चलिए हम इनको चार्जिंग में लगाते हैं। तो दोस्तों ये बैटरी चार्जर हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले जो ये बैटरी आउटपुट दे रहा है उस आउटपुट वोल्टेज को हम उस आउटपुट डीसी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो इसके लिए हम 24 पे ये नॉब जो हमारा सिलेक्टर स्विच है 24 वोल्ट पे रखते हैं और क्लैंप मीटर का पॉजिटिव जो टर्मिनल है बैटरी के पॉजिटिव जो आउटपुट निकल रहा है उससे और जो निगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी का आउटपुट निगेटिव जो आ रहा है उस टर्मिनल आ रहा है उससे हम कनेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही ये स्विच हम ऑन करते हैं तो यहाँ ध्यान से देखिए ये हमारा 24.5 वोल्ट बता रहा है, यानी कि ये जो हमारा चार्जर है ये बिल्कुल सही है। हमें किसी बैटरी को चार्ज करने के लिए 1.5 वोल्ट ज्यादा चाहिए, अगर 12 वोल्ट है तो 13.5 या 13.4 पे हमारा चार्जिंग होगा और ये हमारा 25 वोल्ट का है तो 26.7 तक सही है। तो आइए अब हम इस बैटरी को चार्ज करके देखते हैं। तो हमें चार्जिंग में लगाने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा नॉब है ये हमें 24 वोल्ट पे चूज कर लेना है, क्योंकि हमें दो बैटरी को सीरीज में चार्ज करना है। तो चार्जिंग में लगाने के लिए इसका जो निगेटिव टर्मिनल आ रहा है हमें निगेटिव से और जो ये पॉजिटिव वायर के लिए ब्लू वायर आ रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल से लगाना होगा। अब हमने निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव से और पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है और ये जो हमारा है स्विच इसमें दिया हुआ है चार्जिंग में इसको ऑन करेंगे। ऑन करते ही ये देखिए हमारा एम्पियर बताने लगा, यानी कि ये जो बैटरी है वो चार्ज होने लगा है, ये दोनों जो बैटरी है वो चार्ज हो रहा है। हम ये सिलेक्टर स्विच दिया हुआ है मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम, ये मिनिमम है यानी थोड़ा बैटरी हमें क्या स्लो प्रोसेस में चार्ज होगा, धीरे चार्ज होगा, तो मिनिमम से लेकर हमें मैक्सिमम में मीडियम में रख के इसको चार्ज में लगा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए हमारा 6 एम्पियर बता रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको बैटरी के टॉपिक में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।